सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। आज करो, और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। मिस्टर नड्डा, मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो, इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, ये कौन सा है, जुडिशियल बॉडी करती है, उसका उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो, अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासा जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए, और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे, अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा, इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए, 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं, आप अपनी बात कहिएगा, मैं इसलिए, इफ दिस इज द वे एंड इफ दिस इज द ओनली वे एंड इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, दिस इज द वे जिस रास्ते से हमको जाने की आवश्यकता। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉन्ट्स टू इंटरवीन फॉर अ मिनट, प्लीज सर खड़गे जी, प्लीज। क्या बोलना इसका जवाब? इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले? नहीं नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब, 29 को नहीं। मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो, और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी, वो इल्लीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। एक सेकंड,
मैं यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स वन सेकेंड सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स वन सेकेंड प्लीज प्लीज सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स सभापति जी, वन सेकेंड सर, वी आर दी अपर हाउस, वी आर दी हाउस ऑफ एल्डर्स, इफ देर इज अ रिफ्लेक्शन देर देर इज अ लीगल वर्किंग मैकेनिज्म अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस देन रादर देन प्ले द अदर वे अराउंड वी हैव टू लुक इन टू द रियल लीगलिटी ऑफ इट एंड ही इज फोकसिंग ऑन लीगलिटी ऑफ इट प्लीज गो एट सर. सभापति जी मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे जो काम नहीं हो सकता मैंने कहा दिस इज दी ओनली वे एंड दिस इज दी शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज दी करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो नो कर रहे हैं ना इसीलिए आपको उधर बैठा दिया क्योंकि शासन करने नहीं आया अगर शासन करने आता तो अगर आपको ये मालूम होता कि कुछ नियम कानून भी चीज है अपने नो आई एम नॉट गोइंग थ्रू नो आई एम नॉट गोइंग थ्रू नो 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 आई एम नॉट गोइंग थ्रू नो नो सर प्लीज नो सर प्लीज हरगे जी नो प्लीज ही इज नॉट यील्डिंग तो मैं ये बोल रहा हूं ही इज नॉट यील्डिंग नो ही इज नॉट यील्डिंग आई गेव यू टाइम व्हेन ही यील्डेड ही इज नॉट यील्डिंग प्लीज कंटिन्यू मैं बोल रहा था कि नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट What Mr. Narayan? Nothing will go on. Venugopal, बैठ जाओ यार. No, he's not yielding. No, no. ऐसा है. खड़िया जी, मैंने फिर कहा, मैं फिर कहता हूँ कि सरकारें नियम कानून से चलती हैं और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं. हम जो मोदी जी जो काम करते हैं, वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते. और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है. मैं फिर आपसे बोलूंगा. मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है. आज अगर लोकसभा में हमारे 42 MP हैं, राज्यसभा में 14 MP हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं और हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में एवरी कमिटी राइट फ्रॉम नेशनल कमिटी टू द बूथ कमिटी इन एवरी कमिटी 33% वेमेन रिप्रेजेंटेशन होता है. और हम सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर मैडम सुषमा स्वराज, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी और फर्स्ट वुमेन मेंबर इन द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें भी फर्स्ट वुमेन मंत्री. यानी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, यह बात हमारे सामने में आती है. वो तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ऐसा है कुछ लोग आत्मस्तुति में इतने ज्यादा रहते हैं कि अपना छोड़ करके कुछ और सुनना चाहते ही नहीं है. मैंने खुद बोला ये क्या बोलेंगे मैंने खुद बोला कि दिस कंट्री हैज सीन प्राइम मिनिस्टर लेडी प्राइम मिनिस्टर बिफोर मेनी कंट्रीज. हमने कहा, मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम चलाए गए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप में आपको बताना चाहता हूं कि
जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के लाल किले के प्राचीर से फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट ही हैड सेड दैट हम स्वच्छता अभियान दीपेंद्र बैठ जाओ नो डिस्टर्बेंस प्लीज सिट डाउन बेटी बचाओ बेटी दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट इन द हाउस यू आर अ सीनियर मेंबर प्लीज सिट डाउन नो आई विल नॉट बियर दिस बेटी बचाओ डोंट गो इन दैट डायरेक्शन और स्वच्छता अभियान प्लीज सिट डाउन सॉरी इसके बारे में डोंट वॉश माय हैंड्स इसके बारे में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट जब कहा तो उस समय राजनीतिक लोगों ने कहा था ये बड़ा गैर राजनीतिक की क्या सस्ता की बात प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लड़कों की चिंता करते हैं लेकिन हम लड़कियों के बारे में चिंता नहीं करते हैं हमको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए इस पर भी बहुत कटाक्ष हुए थे लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ लेवल हम 19 पॉइंट बढ़ करके आगे आए हैं 19 पॉइंट हम आगे बढ़े उसी तरीके से ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 18% बढ़ गया है उसी तरीके से फर्स्ट टाइम देश में सेक्स रेशियो टोटल पॉपुलेशन का आउट ऑफ 1000 मेल फीमेल्स आर 1020 फीमेल का सेक्स रेशियो बढ़ गया ये आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम सबको ध्यान में आता है कि हम सबको उसका क्या फायदा मिला जहां तक स्वच्छ भारत का सवाल है 11.5 करोड़ इज्जत घर बनाना मैं यहां बोलना चाहता हूं 50 साल से ज्यादा आप राज किया आपने हम लोग भी जब नेशनल हाईवे पर जाया करते थे तो झुंड की झुंड महिलाएं अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए हाईवे से गुजरती हुई हम देखते थे कि वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी क्योंकि उनको अपना दैनिक नित्यक्रम उससे पहले करना होता था क्या क्या स्थिति थी और संख्या क्या थी 12 करोड़ कभी सोचा नहीं था कभी समझा नहीं था कि ये कैसी समस्या है समझते भी कैसे अगर सिल्वर स्पून से पैदा के साथ पैदा होते हैं वो क्या जाने गरीब का दर्द वो समझते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं कि गरीब का दर्द क्या हो और गरीब बहन की तकलीफ क्या होती है आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया है 12 करोड़ बहनें जब हम बोलते हैं तो 12 करोड़ चिल्ड्रन भी साथ में जुड़ते हैं 12 करोड़ फैमिलीज भी साथ में जुड़ते हैं किस तरीके का उनके साथ बर्ताव होता था क्या क्या उसके साइड इफेक्ट बैड इफेक्ट्स होते थे वो सब हम सबको मालूम है उनको इज्जत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और प्रधानमंत्री जी को उसके लिए सम्मानित किया ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए उसी तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे 69% ओनरशिप जॉइंटली या इंडिविजुअली महिलाओं के पास है महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन मैं हिमाचल के गांव से आता हूं मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने गांव को मेरे को कितना देखा होगा लेकिन हमारे यहां गांव में बहनें सुबह 4 बजे उठती थी जंगलों में जाती थी पेड़ों पर चढ़ती थी लकड़ी काटती थी लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी सवेरे उस लकड़ी को जलाती थी और लकड़ी कच्ची लकड़ी को जलाना कितना कठिन काम है और कितना धुआं निकलता है उसमें से उसका अंदाजा लेना चाहिए आंखों से पानी आ जाता था फेफड़े खराब हो जाते थे इस तरीके का जीवन जीती थी हमारी बहनें आज एलपीजी गैस कनेक्शन के कारण और एलपीजी गैस कनेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो उसकी भी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है यानी 9 करोड़ लोग 9.58 करोड़ बहने जिनको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया
और उसके माध्यम से उनको आज वो 5 मिनट के अंदर पतिदेव को भी चाय पिलाती हैं, घर को संभालती हैं और उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं जल जीवन योजना के बारे में, मुझे याद है पहाड़ों में बहने 2-2 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरकर पानी लेने के लिए, एक घैला पानी लेने के लिए 2-2 घंटे लगाती थी, नीचे जाना, पानी लाना और फिर चढ़ाई चढ़ करके घर पहुंचना। ये परिस्थिति हमने देखी है। आज जल जीवन मिशन में 10 करोड़ घरों को और 68% हमारा पानी का कनेक्शन का कवरेज दिया जा रहा है। मुद्रा योजना 70% लोन्स उसमें सैंक्शन हुए। ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बुराई, और उसमें भी मैं बता दूं जो आकाएं लंबे समय तक राज करते रहे उनको मालूम होना चाहिए, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन ईरान, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन इराक, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन सीरिया, देर इज नो ट्रिपल तलाक इन इंडोनेशिया। ये सब मुस्लिम और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रदेश रहे, देश रहे, लेकिन हमारा भारत ट्रिपल तलाक चला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। आज ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अगर अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसी तरीके से धरती से चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंड करने वाले स्थान को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति के नाम से पहचाना। वहां भी शक्ति महिलाओं को जोड़ने का और उसको उसकी बात को कहा गया है।